गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा जो फेसबुक पेज था उसको किसी ने हैक कर लिया है। और हैक करने के बाद उस पे नंगी तस्वीरें, न्यूड फोटो स्टोरी में पोस्ट किया जा रहा है। और बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं जो देख रहे हैं, और देखने के बाद कॉल मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। कल शाम को ये हुआ था, तो मैं सोचा कि चलो कोशिश करते हैं, फेसबुक शायद रिकवर कर दे। लेकिन कॉल मैसेज इतने आ रहे हैं कि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सर से गलती से ऐसा कुछ अपलोड हो गया है, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पेज को ही हैक कर लिया गया है। और ये पेज का नाम इंजीनियर अभिषेक राज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा पेज है मेरे ही नाम से है, इंजीनियर अभिषेक राज, और ये फोटो लगा हुआ है। और इस पे जो फॉलोअर्स देखेंगे 1,76,000 दिखा रहा है, अभी आपको 1,40,000 हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे अनफॉलो कर रहे हैं। बहुत गंदी तस्वीरें अपलोड की जा रही है, तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, घर परिवार के भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं हमें। तो मैं सोचा कि बता देता हूँ एक वीडियो बनाकर कि ऐसा किया गया है। और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि फेसबुक को इस बारे में सूचित करूँ। फेसबुक तक मैंने मैसेज पहुँचाया है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, शायद अब आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का जो प्यार होगा तो शायद वो वापस आ जाए। इस तरह के जो एक्टिविटी की जाती है तो बहुत सारे केसेस में नहीं लौटता है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे भी उम्मीद है कि आ जाना चाहिए, क्योंकि गलती हमारे तरफ से नहीं की गई है। किसी भी तरह का बहुत सारे ईमेल वगैरह मैसेज आते हैं मेल पे कि आपको इतना डॉलर देंगे, मेरा ऐड चला दीजिए पेज पे, आपको ये पैसा मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, तमाम ईमेल आते हैं, लेकिन कभी मैंने किसी ईमेल का मैं कोई रिप्लाई नहीं करता। दूसरी चीज, बहुत सारे कंपनी वाले भी हमें यूट्यूब चैनल के लिए भी मेल करते हैं, तो मैं किसी भी ईमेल नोटिफिकेशन वगैरह को मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे ऐड नहीं चलाना है, किसी का प्रमोशन नहीं करना होता है, क्योंकि पता नहीं कौन इसमें सही है, कौन गलत है, क्या करने पे क्या हो जाएगा। इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए डरते हैं कि भाई यही एक माध्यम है जो आप लोगों से, आपसे हम जुड़ते हैं, और इसको ही कोई इस तरह से हैक कर लेगा तो काफी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कोई बात नहीं, खैर चिंता का तो विषय है, कल से मैं खुद चिंतित हूँ, आप लोग भी, हमारे जो चाहने वाले लोग हैं वो भी चिंतित है। तो ये एक दुखद समाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मिस्टेक कहाँ हुआ है उसको हम समझते हैं। फेसबुक नोटिफिकेशन में इस तरह का एक मैसेज आया था, और वो मैसेज में ये लिंक दिया गया था, बोला कि इस पे क्लिक करके आप ना अपना अपील दायर करें। फेसबुक की तरफ से ये नोटिस दिया गया था हमें, फेसबुक आईडी के अंदर में, ऐसा नहीं है कोई मेल वगैरह पर नहीं आया था। फेसबुक प्रोफाइल जब खोलते हैं ना, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट होता है, उसके बगल में वीडियो का ऑप्शन होता है, उसके बगल में नोटिफिकेशन होता है ना, नोटिफिकेशन वाले जो आइकन है उस वहां पे एक मैसेज था कि आप कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो हमारे कम्युनिटी को वायलेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ पोस्ट था। और इसके बाद उस पर क्लिक किए चेक करने के लिए, तो फेसबुक की तरफ से ये मैसेज था कि आप एक अपील दायर करें, तो मैंने अपील दायर किया था। अब यहीं पे कुछ हमें गड़बड़ दिख रहा है कि यहीं पे कुछ इधर उधर हुआ है, क्योंकि इंस्पेक्ट करके, जो डेवलपर होंगे समझ रहे होंगे, इंस्पेक्ट करके वहां पर कुछ आईडी मांगी जा रही थी, और उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया था, उस तरह से मुझे करवाया गया था, इसके बाद ये घटना हुआ है। लेकिन इस तरह का 2 बार पहले भी, 10 दिन पहले भी हुआ था, इस तरह से मैसेज आया था, उसके समय भी मैंने ऐसा किया था, तो ऐसा कोई हैकिंग वाला नहीं हुआ था। लेकिन फिर ये 2 दिन पहले इस तरह के मैसेज आए थे, उस समय मैंने ये किया था, तो इसके बाद ये कल शाम को इस तरह से हैकिंग का एक्टिविटी किया गया मेरे पेज पे। अब पेज हैक हो गया है, तो इस परिस्थिति में क्या करें क्या ना करें, तो एक तो है कि काफी चिंता का विषय है कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें, हमारा पेज हैक हो गया है तो ये दुखद है, और हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी एक दुखद है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज वैकेंसी के बारे में हम बताते थे, बहुत सारी चीजें होती थी यहाँ पे, लाइव आकर बच्चों की समस्याओं को हम सुनते थे, लेकिन ये माध्यम को कट ऑफ हो गया कुछ दिनों के लिए है। अभी अगर ये पेज रिकवर नहीं होता है तो हम फिर नए पेज क्रिएट करके आपके सामने होंगे, और आपका जो प्यार था, जो मोहब्बत था, फिर मुझे मिलेगा, विश्वास है। और उन लोगों को कहना चाहूंगा जो हमारी बुराई सोचते हैं, जिनको खुशी हो रही होगी, कोई बात नहीं। और जो हैकर्स है उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर मुझे बर्बाद करना चाहते हो ना, तो पूरी तरह से जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि हम जिंदा हैं तो सब चीज है ना। अगर हम, मैं खड़ा हूं, मैं बच गया, तो फिर से सब चीज आ जाएगा, क्योंकि मैं ही इन चीजों को बनाया था, फिर मैं वापस से मेहनत करूंगा, फिर बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है। हाँ, ये जरूर है कि
समस्या आती है तो दुख होता है, परेशानी होती है, और उस परेशानी को जिसके ऊपर बीतता है वही समझ सकता है, और मेरे ऊपर क्या बीत रहा है ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन फिर भी इंसान को हमेशा धैर्य रखना चाहिए, मुझे लगता है। कितना भी बड़ा से बड़ा विपत्ति आए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि समस्या आता है तो बहुत सारी समस्याएं और घिर जाती है, आप दुखी होते हैं, फिर भी खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। ये मैं आप लोगों को बोलता हूं, खुद पे भी अप्लाई करने का प्रयास करता हूं, और ये है, मुझे तो समस्या है, थोड़ा सा दुख है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, अपना काम हम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए करना पड़ता है, एक ड्यूटी है मेरा, चाहे हम किसी भी परेशानी में रहें, हमें जो करना है करना पड़ता है। हम आज भी कर रहे हैं, आप लोगों को कल भी अटेंड किए थे, सब चीज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज्यादा। बस आप लोग जुड़े रहें, प्यार मोहब्बत बनाए रहें। फेसबुक पेज को हैक कर लिया गया है 100%। अब इस पे जो भी चीजें की जा रही है, जो भी वीडियो फोटो अपलोड किया जा रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, कौन कर रहा है ये भी नहीं मालूम है। और इसके लिए जो भी प्रक्रिया मैं कर रहा हूं, एक और रास्ता होता है साइबर क्राइम, वहां जाकर हम रिपोर्ट कर सकते हैं, तो करेंगे, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। कोशिश यही है कि सब चीज सही हो जाए, और ठीक है, बहुत कुछ हम नहीं कहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।